गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 4 नीति निर्झर। इसमें हम लोगों ने इसकी पूरी अर्थ पढ़ लिया, पूरी कविता का अर्थ जान लिया, उसके शब्दार्थ कर लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिया, टिक द करेक्ट यस और नो, इसकी कुछ क्वेश्चन थे लॉन्ग वो उनको कर लिया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इनकी कुछ एक्सरसाइज पर। ठीक, तो एक्सरसाइज पर देखते हैं। पहला एक्सरसाइज क्या है? पर्यायवाची शब्द, इसमें जो है पर्यायवाची रूप लिखिए। पर्यायवाची रूप पहला क्या है? भुजंग। भुजंग यानी सांप। सांप को क्या कहते हैं? भुजंग या सर। ठीक, तरुअर, तरुअर वृक्ष या पेड़, ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि इसी का दूसरा रूप, दूसरा अर्थ क्या है। तलवार, कटार। ठीक है, मीत, प्यार। सरोवर यानी तालाब। संपत्ति यानी धन। संपत्ति क्या होगा? धन। मीत का होगा, सॉरी यहाँ पे मित्र कर लीजिए, मित्र भी कह सकते हैं इसको, मीत को मित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मीत मित्र कर लीजिए। दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। ठीक, इसमें अब क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट में पूछ रहा है कि विलोम मतलब कि इस शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा। ठीक, तो विष, विष का उल्टा क्या होगा? अमृत। विष का उल्टा अमृत। सच्चे, सच्चे का झूठे। टूटना, टूटना का जोड़ना, जोड़ना या जुड़ना कह सकते हैं, जोड़ना या यहाँ पर हम जुड़ना भी कह सकते हैं, टूटना यानी जुड़ना। ठीक, प्रेम का नफरत, बहुत यानी बहुत ज़्यादा, तो कम, थोड़ा यानी कम। एक, एक मतलब एक, अनेक मतलब बहुत सारा। ठीक, सही है। अब नेक्स्ट है कि थर्ड एक्सरसाइज हमारा, रेखांकित शब्दों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। रेखांकित शब्द यानी कि जो ये अंडरलाइन की गई है, इसका सही अर्थ बताइए। तरुअर फली नहीं खात है, तरुअर फल नहीं खात है मतलब परिणाम। तरुअर जो है, तरुअर फल नहीं खात है, खाने की वस्तु है ना, जो खाने की वस्तु है तरुअर, मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, तो इसमें क्या होगा? खाने की वस्तु। ठीक, मत तोरो चटकाए। मत मतलब नहीं, नहीं यहाँ पे क्या होगा? सही मत का है नहीं। लाख टका मेरे मूल मतलब लाख टका संख्या, लाख यहाँ पे क्या होगी? ये संख्या होगी। ठीक, लघु न दीजिए डारी, डारी मतलब त्यागना। यहाँ पे डारी का अर्थ शाखा है, लेकिन लघु न दीजिए डारी मतलब कि छोटे को छोड़िए मत, बड़े अगर बड़ी चीज़ अगर मिलती है फिर भी आप उसे रखिए, लेकिन साथ में छोटे को त्यागिए मत, तो यहाँ पे त्यागना हो गया। ठीक, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। जो दिए गए ये शब्द हैं इनके मानक रूप क्या हैं? सांचे यानी सच्चा, परी यानी परी यानी पड़े, किसी के ऊपर पड़े परी, मूल, मूल्य यानी मूल्य, आवे, आवे मतलब आना, मेरी, मेरो, मेरो मिल मेरा, सच ही, सच ही, सच में, जैसे सच ही सच्चा व्यक्ति या तो सच ही सच में। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। जैसे संग, संग का क्या हो गया? प्रसंग, कुसंग, सत्संग। ठीक, ये संग को ऐसे शब्द से बनाना था जिससे एक शब्द बन जाए, ऐसे शब्द मिलाना था जिसमें ये संग आए। ठीक है, फल, फल फलदाई, फलदायक, फलहारी। ठीक, विष, विष का विषकन्या, विषयुक्त और विषधर, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। आइए हम छंदी विच्छेद पे देखते हैं। सिक्स एक्सरसाइज हमारा छंदी, वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि ये जो शब्द हैं इनको तोड़कर लिखिए। जैसे धागा, ध, ध पर आ की मात्रा, ग, ग पर आ की मात्रा, धागा।
कसौटी, क अ सौ टी, त पर बड़ी ई की मात्रा। तरुअर, त अ र उ व अ र अ, र और अ, तरुअर ये हुआ। रहीमन, रहीमन, र अ ई ह म अ न, रहीमन। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज पूरा। लास्ट में है ये कल्पना है, ठीक है। इसमें ये है कि कल्पना करके लिखिए, यदि वृक्ष अपने सारे फल और सरोवर अपना सारा पानी पी जाए तो क्या होगा, ठीक है। इसको आपको अपने मन से लिखना है, इसको आप अपने बुक में अपने मन से फिल करके रखिएगा, उसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये नीति निर्झर चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।